आज के दिन हमारा पर्व हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, आप सब मीडिया के बंधुओं को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जी के जन्मोत्सव की। और भगवान बजरंगबली आप सभी की मनोकामनाएं, हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ये भारतीय जनता पार्टी है और आज ही के दिन स्थापना दिवस और आज ही के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव, तो अपने आप में भगवान का आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी पर रहा है और रहेगा। और दोनों दिनों का आज एक संगम है तो बहुत अच्छा, एक शुभ दिन है आज। सारे हमारे त्यौहार हैं, सारी हमारी और अन्य गतिविधियां हैं, जो भी बाजार है, ये सब कोरोना है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिन हमारे भाई बंधुओं ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है किसी भी कारण से, तो वो अपनी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना के नियमों का पालन हम सबको तुरंत अपना लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले महामारी बड़े विकराल रूप रहे, उससे पहले हमें सावधानी को अपनाएंगे तो हम जल्दी इससे फिर से निजात पा जाएंगे। और सरकार को भी इसके लिए जो भी नियम कायदे तुरंत लागू करते हुए, अस्पताल हो गए या फिर जो जागरूकता अभियान, इन पर ध्यान देकर जल्द से जल्द अपना एक्शन मोड में आना। ये मेरी तैयारी हमेशा रहती है, कोई भी जनहित का काम हो या समाज का काम हो, और मैं सदैव अपने समर्पित हूँ, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और सौभाग्यशाली हूँ कि ये सब जो कोरोना महामारी आई, इसमें अपने क्षेत्रवासियों की तन मन धन से खूब सेवा कर पाया और एक तरह से अपना जीवन इस कोरोना काल में जी लिया। पार्षद तो आते जाते रहेंगे, जीवन जब आदमी को मिलता है तो एक न अपने जीवन में कोई एक ऐसा काम करना चाहता है जिसको लिए लोग उसको याद रखें। और हमें नहीं पता था हमारे इस जीवन काल में कोरोना काल महामारी आ जाएगी, क्योंकि 100 साल में सुनते आए हैं कि एक बड़ी एक महामारी विकराल रूप लेती है, तो हमारे इस जीवन काल में हमने कोरोना को बहुत नज़दीक से देखा। और सबसे बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, हमने अपने क्षेत्र की भरपूर सेवा की है, दवाइयों से हो, चाहे राशन हो, चाहे अन्य कोई ज़रूरी सामान, जो भी कोरोना में हम कर पाए मदद हमने खूब की। और हमारा क्षेत्रवासियों ने भरपूर साथ दिया, आप जैसे मीडिया के बंधुओं ने भरपूर साथ दिया। और सदैव सुख में तो हम 1% कहीं जाए ना जाए, दुख में हम अपने क्षेत्रवासियों के साथ रहे थे और साथ रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत ही। अगर कोई चीज़ें आगे कोई घटना ऐसी घटती है कोरोना महामारी को लेकर, तो हम फिर से अपने क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार। देखिए, अध्यापक अगर लिखेंगे और वही पास करेंगे तो फिर स्कूलों का कुछ औचित्य नहीं रह जाता, तो ये तो एक बड़ी गलत परंपरा है। अगर स्कूलों का मॉडल इतना अच्छा बनाया है दिल्ली सरकार ने, तो उसमें फिर बच्चे पास भी होने चाहिए। और अगर किन्हीं कारण से कुछ बच्चे रह भी जाते हैं, तो ये टीचर खुद अगर लिख के वो बच्चों को पास करने का काम करते हैं, तो अपने आप में गलत परंपरा है और इसको तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है।